दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को एक और बड़ा झटका दिया है। फरवरी में स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल होने वाले बवाना से पार्षद पवन सहरावत ने घर वापसी कर ली है। आप विधायक और एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने पवन सहरावत को पार्टी में शामिल कराया। इस मौके पर दुर्गेश पाठक ने कहा कि पवन भाई का जो भी थोड़ी सी भ्रम थी, दुविधा थी, वो सारी चीजें खत्म करके आज फिर से उसी मजबूती के साथ पार्टी के साथ जुड़ेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। और जो दिल्ली के मुख्यमंत्री और हमारे राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी ने जो एक प्रण लिया है कि दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास शहर बनाएंगे, साफ सफाई ठीक करेंगे, सारी चीज़ें ठीक करेंगे, वो सारी चीज़ें मिलके आपस में करेंगे। वहीं एक बार फिर आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद पवन सहरावत ने कहा, आम आदमी पार्टी में से मैं चुनाव लड़ा बवाना से, कुछ अंडरस्टैंडिंग कुछ हो गई थी और तो आज दुर्गेश भाई ने भी, जो एमसीडी के प्रभारी भी हैं, विधायक भी हैं, उन्होंने मेरे को कहा चलना वहीं है अपने परिवार में, तो मैं आज अपने परिवार में वापसी शामिल हो गया हूं और आम आदमी पार्टी के लिए इसको आगे बढ़ाएंगे और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ काम करेंगे और इस एमसीडी में पूरी दिल्ली के लिए काम करेंगे और अपने गांव देहात के लिए भी पूरा काम करेंगे। लेकिन जब पवन सहरावत फरवरी में आप छोड़कर बीजेपी में गए थे तो उन्होंने कहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली पार्टी में भ्रष्टाचार के कारण उन्हें घुटन महसूस हो रही थी। खैर, पवन सहरावत के बीजेपी में जाने के बाद एमसीडी के नरेला जोन में आम आदमी पार्टी थोड़ी कमजोर हो गई थी, लेकिन एक बार फिर सहरावत की घर वापसी के बाद आप नरेला जोन में मजबूत हो गई है। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी का कहना है कि पवन सहरावत ने दल बदल कर अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता खो दी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।